ओके सब, हम लोग से नया टॉपिक पढ़ने वाले, स्पीच ऑफ फॉर्म होता है उसका, कैसे हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं और कैसे हम लोग उसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट करते हैं, तो उसको हम लोग आज देखेंगे इस चीज को। तो सीरीज ऑफ फंक्शन में आप समझेंगे जो भी आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़े उसमें आपका क्या वो सीरीज बन जाएगा आपका। पहले आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या था आपका, एफ एन था, आप यहाँ पे क्या हो गया आपका सीरीज ऑफ फंक्शन हो गया। अब उसके हम लोग बिहेवियर को चीफ करेंगे, ठीक है, कि एक उसकी जो बिहेवियर होगा आपका, पहले आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का बिहेवियर निकालने जानते हैं, सीरीज में भी कोई परेशानी नहीं होगा। इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट मतलब वो कन्वर्जेंट कैसा होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा या तो क्या होगा पॉइंट वाइज होगा। ऑन ए बी, ये आपका क्या होगा एक क्लोज इंटरवल पे। इफ द सीक्वेंस एसएन, जो एसएन जो यहाँ पे पार्शियल सम है, आपको पार्शियल सम निकालने के लिए आपको बता चुके थे कि पार्शियल एसएन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पार्शियल सम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका पार्शियल सम का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग जो ए वन निकाल लिखते हैं कि सर एस वन जो लिखते थे, याद करें आप सिक्वेंस में जब लोग सिक्वेंस में लोग पढ़ते तो आपको याद करेंगे आप, एस वन इक्वल टू क्या होता था आपका ए वन, फिर एस टू इक्वल टू क्या होता था ए वन प्लस ए टू, ये पार्शियल सम इसी को कहते हैं, ठीक है। ए वन प्लस क्या होता था, ए टू प्लस क्या होता था, ए थ्री, शो। तो यहाँ पे आपको अगर ये पार्शियल सम निकालते हैं और ये आपका अगर सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन का इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा ऑन ए बी, ठीक है, वो कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर ये आपका अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो भी कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे पहला हम लोग पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, और फिर हम लोग के पास है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो जो भी कब का पॉइंट, जो भी कब का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है सारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है, लेकिन जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगा वो पॉइंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होता है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, सीरीज ऑफ फंक्शन, ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है, ये डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल क्या है, ए बी इज सेड टू बी पॉइंट वाइज। हम लोग उसको पॉइंट वाइज कब बोलेंगे, अगर आपका एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट हो, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, एक एग्जिस्ट हो जाए इन फोर फोर ईच एक्स इज बिलोंग्स टू ए बी, अगर एक्स यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, इसके बाद जो है अगर हम लोग एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो वहाँ से एक वैल्यू आपका पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट होगा, इस तरह एग्जिस्ट होगा, ठीक है, कि एफ वन मॉडुलस ऑफ एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, सो ऑन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। आपको ये पता होगा जी, हम लोग इसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी इस चीज़ को हम लोग निकालते थे, याद करेंगे आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी हम लोग इसी चीज़ को लिखते थे, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेते थे, ये चीज़ हम लोग चेक करते थे, बाकी हम लोग एम एन टेस्ट में सुप्रीमियम लिखते थे वहाँ पे। उसी तरह करके यहाँ पर भी वो आपका वैल्यू एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए आपका। अब यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस में देखेंगे, अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस में क्या होगा आपका, ये सीरीज ऑफ फंक्शन, ये जो सीरीज है आपका जो फंक्शन है, अगर डिफाइन करेंगे क्लोज इंटरवल पे, और इसको हम लोग जो है अगर एक वैल्यू हम लोग के पास एप्सिलॉन ग्रेस ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से भी आपको एक नंबर एग्जिस्ट होगा एम, जो आपका सेम उसमें भी था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ को कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है, ये कंडीशन इसमें होल्ड करेगा। इसका मतलब आपको हम अभी बताएंगे कि यहाँ पे जो एन जो होगा, या तो आपका एन जो है किसके ऊपर डिपेंड, कौन सा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टेस्ट का सी टेस्ट है, वन बाई वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तो आपका लिखा हुआ है इसमें कोसी जनरल प्रिंसिपल, इससे हम लोग टेस्ट करेंगे इसको, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पहला हो गया। नंबर दूसरा जो होगा हम लोग के पास क्या होगा, वेस्टर्स टेस्ट, ठीक है, वेस्टर्स डब्ल्यू ई आई ई आर ई आर एस टी आर ए वेस्टर्स एम टेस्ट, ठीक है, एम टेस्ट, ये हम लोग यूसी को चेक करते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है, वो हम लोग कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो होगा वो क्या होगा, एबेल टेस्ट ऑफ यूसी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यूसी का टेस्ट करेंगे, ठीक है। नंबर चौथा जो हम लोग के पास होगा वो क्या होगा, ड्रेसलेट टेस्ट यूज करेंगे यूसी के लिए। तो आपको एक जनरल प्रिंसिपल के लिए आपको कोशिश भी बना सकते हैं, जो आपको बता चुके हैं, वेस्टरेस्ट एबल और ड्रेसलेट टेस्ट से आप क्या कर सकते हैं, बाकी यूसी चेक कर सकते हैं। तो आप एक वन बाई वन करके हम लोग इसमें क्वेश्चन देते हैं, वेस्टरेस्ट टेस्ट में क्या होगा, हम लोग उस चीज़ को टेस्ट करेंगे, ये सीरीज एफ एन जो होगा ही विल बी कन्वर्स यूनिफॉर्मली, वो क्या होगा सीरीज क्या होगा कन्वर्ज यूनिफॉर्मली होगा इन द क्लोज इंटरवल क्या ए बी सच दैट देयर एग्जिस्ट कन्वर्जेंट सीरीज, वहाँ पे क्या होगा कोई कन्वर्जेंट सीरीज एग्जिस्ट होगा,
और करवजे सीरीज क्या था आपका, एम एन, आपको हम बता चुके थे एम एन कैसे निकलता है, पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर एक्सिस, आपको एक्सिस बिलोंग्स टू क्या आपका ए बी और एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या आपका एम एन, ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं। ये हम लोग सबसे पहले एफ एन एक्स निकालेंगे, मतलब हम लोग का जो सीरीज रहेगा, सीरीज से हम लोग जो हम लोग एम एन टेस्ट किए थे उसी को हम लोग यूज करेंगे और वहाँ से हम लोग एक सीरीज निकलेगा, जो हम लोग का यहाँ से एफ एन एक्स का वैल्यू, जो सुप्रीमम का वैल्यू निकलेगा हम लोग के पास, वो चीज़ हम लोग देखेंगे निकाल के, इसकी सब मैक्सिमम वैल्यूज़ को हम लोग निकाल के देखेंगे। जैसे हम लोग याद करें इस चीज़ को हम लोग बनाए हुए थे, इस चीज़ को एम एन सेट निकाले थे, उसमें याद करेंगे आप सुप्रीमम ऑफ क्या था आपका, सुप्रीमम ऑफ क्या था एफ एन एक्स माइनस क्या है आपका एफ ऑफ एक्स था, और ये क्या था आपका, ये चीज़ हम लोग देखते थे। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जो भी निकलेगा यहाँ से एन इक्वल टू वन टू इन एन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एम एन सेट निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालने वाले एम एन सेट, और ये जो सॉरी ये क्या निकालेंगे हम लोग, सीरीज निकालेंगे, और ये सीरीज अगर हम लोग के पास क्या हो, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाए, आपको टेस्ट करने आता है ठीक है, अगर ये सीरीज क्या हो जाए कन्वर्जेंट हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा हम लोग के पास, वो क्या होगा यू सी होगा ठीक है, तो क्या होगा यू सी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एम एन निकालना पड़ेगा, और एम एन निकालने का आपको फॉर्मूला आपको पता है। अब एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन है प्रूव दैट एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, प्रूव दैट एन इक्वल टू वन टू क्या आपका इन्फिनिटी, प्रूव दैट एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स बाय एन वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर ठीक है, वन प्लस क्या है एन एक्स स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, क्या है आपका ये कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले आप जैसे इसको बनाए हुए थे उसी तरह का क्या बनाएंगे आप, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन मानेंगे यहाँ पे इस चीज़ को मानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखें इस चीज़ को, सबसे पहले हम लोग के पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखें ये दिया हुआ आपका एक्स बाई क्या आपका एन इंटू वन प्लस क्या आपका एन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फोर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ये सारा चीज़ आप अगर निकालेंगे ठीक है, सारा चीज़ आप निकालें यहाँ पे। तो यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन वन हो गया हम लोग के पास, डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका होगा, तो इसको हम लोग यू बाई वी के में तोड़ेंगे, तो ये एन होगा वन प्लस क्या होगा आपका एन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स, माइनस क्या होगा माइनस जो होगा वो क्या होगा आपका एक्स, क्या होगा आपका एक्स इंटू एन डी बाई क्या होगा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा वन प्लस क्या होगा एन एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एन इंटू वन प्लस क्या होगा एन एक्स का स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा ठीक है। अभी अगला स्टेप में क्या होगा आपका डी बाई डी एक्स और ये क्या होगा आपका एफ एन इक्वल टू क्या होगा आपका ये आ जाएगा एन इंटू वन प्लस क्या है एन एक्स का स्क्वायर माइनस क्या है आपका एन इंटू एक्स एन एक्स, और ये एन का एक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो, एक्स का क्या होगा टू एक्स, तो ये क्या होगा आपका टू एन एक्स होगा ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू वन प्लस क्या होगा आपका एन एक्स एक्स का स्क्वायर होगा ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर लें, आप यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एफ एन का जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका एन होगा, और ये क्या होगा आपका एन का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू टू होगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा एन स्क्वायर इंटू वन प्लस क्या होगा आपका एन एक्स का स्क्वायर। और उसको चेंज करेंगे आप, तो चेंज करेंगे इसको क्या होगा आपका एन माइनस एन स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा एन स्क्वायर इंटू और इंटू क्या होगा आपका वन प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे एन कॉमन लेंगे, जब एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा आपका, तो कट के आपका क्या आ जाएगा देखिए आप, जब इसको एन कॉमन लेंगे तो कट के जो आपको निकलेगा क्या डी एफ एन बाई क्या होगा आपका डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस क्या होगा एन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एन इंटू वन प्लस क्या होगा आपका एन एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका वैल्यू निकलेगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया टू निकल गया ठीक है। ये चीज़ को देखें, अब यहाँ से फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको पता होगा आपका फोर मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू, इसको हम टी ले लेते हैं ठीक है, इसको टी भी ले लेते हैं हम लोग, या फोर मैक्स एंड मिन वैल्यू, फोर मैक्स एंड मिन वैल्यू क्या होगा
मेन वी टू क्या होगा डी टी डी एफ एन बाई क्या होगा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो इसको आप जीरो करेंगे तो क्या होगा आपका वन माइनस एन एक्स स्क्वायर, नीचे जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा क्या एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या वन। सो यहाँ से वी टू जो निकल के आ जाएगा वो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या सॉरी एन एन का वी टू कितना निकलेगा आपका एन का वी टू जो होगा वो क्या आ जाएगा एन एक्स सॉरी एक्स का वी टू, एक्स का वी टू कितना निकलेगा हम लोग का वन बाय रूट अंडर एन, ठीक ये निकल एक्स का वी टू हम लोग के पास निकल कितना निकल गया वन बाय रूट अंडर एन। अब ये चीज़ देखेंगे ये मैक्सिमम है कि ये नहीं है, ठीक है एक्स का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया वन बाय रूट अंडर एन। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं और हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन क्या है टू, जब इक्वेशन टू को हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देखिए हम ये जो निकलेगा वो क्या होगा यू बाई वी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा एन इंटू वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर, एन एक्स का इंटू डी बाई डी एक्स, वन का क्या होगा जीरो और यहाँ पे एक्स का क्या होगा टू एन एक्स मतलब माइनस टू एन एक्स, माइनस क्या होगा आपका टू एन एक्स, ठीक है माइनस ये होगा आपका। उसके बाद जो होगा क्या होगा आपका यहाँ पे वन माइनस एन एक्स का स्क्वायर होगा और नेक्स्ट का डिग्री ये आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये आपका बाहर रहेगा आपका वन माइनस एन एक्स का स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका एन बाहर होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा आपका टू है और ये आपका क्या है वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर होगा, फिर आपका क्या होगा ये एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो क्या होगा आपका टू एक्स है, ठीक है डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एन इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका इसमें इक्वेशन इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा एन स्क्वायर, ये क्या होगा आपका वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होगा ये फोर। अब इसको कैलकुलेशन कर लें आप, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको जो कैलकुलेशन करेंगे डी स्क्वायर एफ एन एन बाई डी एक्स एन, ठीक है ये वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस टू टू एन स्क्वायर एक्स इंटू वन प्लस क्या होगा आपका एन एक्स का स्क्वायर माइनस और ये क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी टू ए माइनस बी टू टू जब फोर फोर एन एक्स फोर एन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है और यहाँ ए प्लस बी टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर क्या आपका फोर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा इस चीज़ का ये तो दोनों कैलकुलेशन हो गया या आ गया ये आपका होगा एन स्क्वायर इंटू क्या होगा आपका वन प्लस एन एक्स का पावर फोर, ठीक है यहाँ से एन स्क्वायर आपका देखें पूरे में कट जाएगा ये आपका, ये आपका बचेगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका एन स्क्वायर एक्स, ठीक है एन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू निकलेगा आप लोग एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये इससे कट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस टू एक्स और वन प्लस क्या होगा आपका एन एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन होगा आपका माइनस फोर इंटू एक्स इंटू वन माइनस क्या होगा आपका एन स्क्वायर और एक्स की पावर फोर फोर डिवाइडेड बाई ये क्या होगा आपका वन प्लस क्या होगा आपका एन का एक्स स्क्वायर पूरी पावर क्या होगा आपका फोर होगा, ठीक तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू वन बाई रूट अंडर एन इज पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम ये आपका लोकल मैक्सिमम। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे टी जो है आपका मैक्सिमम आ गया आपका यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आपका एक्स इक्वल टू रूट अंडर एन क्या आपका मैक्सिमम लोकल ये आपका मैक्सिमम पॉइंट निकल गया। अब इसका हम लोग वी टू निकालते हैं, अब यहाँ से इसका जो वी टू क्या निकलेगा देखें तो मैक्सिमम वी टू क्या होगा आपका मैक्सिमम वी टू तो यहाँ पर पुट करेंगे एक्स की जगह में क्या पुट होगा आपका जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या पुट होगा वन बाई रूट अंडर एन, ठीक है तो हम लोग के पास जो इक्वेशन था वो क्या था एक्स बाई यही था ना एक्स बाई एन इंटू वन प्लस क्या था एन एक्स का स्क्वायर वन बाई एन ये एन एक्स का स्क्वायर ये था आपका तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वन बाय रूट अंडर एन पुट करें आप तो एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होगा वन बाय रूट अंडर एन वन बाय रूट अंडर एन ये एन होगा ये वन प्लस क्या होगा रूट अंडर एन मतलब क्या होगा वन बाय एन। कैलकुलेशन कर लें इसको, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता होगा ये क्या निकलेगा आपका, ठीक है ये आपका आ जाएगा क्या वन बाय रूट अंडर एन और ये आपका आ जाएगा क्या एन इंटू क्या आ जाएगा आपका टू
तब जब इसको लिखेंगे आप यहाँ से लिखिए आ जाएगा आपका एफ एन एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू एन टू दी पावर क्या होगा आपका 3/2 ये आ जाएगा एफ एन एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू क्या होगा 3/2। अब ये जो है हम लोग के पास जो फॉर्मूला था तो हम लोग के पास यही था कि एफ एन एक्स का जो वैल्यू आपका क्या होना चाहिए लेस देन क्या होना चाहिए एम एन आर, ये वैल्यू आपका निकल गया। इसको हम लोग सेट मान लेंगे यानी एम एन का जो वैल्यू निकलेगा आपका ये निकल गया। इसका मतलब हम लोग को इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एन टू दी पावर 3/2 और ये आपका क्या है एम एन। तो इसको हम लोग टी टी मान लेते हैं मतलब एम एन, इसको एम एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग 1/2 क्या है सीरीज ले लेते हैं इसको। सो एम एन इक्वल टू क्या होगा तो सीरीज लेना एन इक्वल टू 1 to n तो ये आपका क्या होगा 1/2 टू दी पावर एन इंटू 3/2 क्या होगा 2। और ये सीरीज हम लोग को बता दी है कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो ये सीरीज जो है आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं आप एम एन यहाँ पर टेस्ट करके आप देखिए इस चीज़ को, ये आपका जो है कन्वर्जेंट होगा क्योंकि आपको यहाँ से आपको पी टेस्ट आपको पता होगा अगर 1/n^p अगर ऐसा हो ठीक है, और पी का वैल्यू जो है आपका ग्रेटर देन क्या हो 1 हो तो सीरीज क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। ये आपका सीरीज पी सीरीज टेस्ट क्या होगा सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब ये जो एम एन क्या होगा आपका कन्वर्जेंट हो गया। एम एन यहाँ से क्या रिप्लेन किया एम एन ये क्या आ गया आपका कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगा। और ये जब कन्वर्जेंट सीरीज हुआ गया आपको पता होगा जब कन्वर्जेंट सीरीज आ गया तो ये पूरा जो फंक्शन होगा वो फंक्शन जो होगा आपका क्या होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे बाय वेस्टर्स टेस्ट, बाय वेस्टर्स टेस्ट डब्ल्यू टी एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली यूसी चेक करने का टेस्ट है। दोनों टेस्ट जो है यूसी चेक कर सकते हैं आप ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपका यूसी टेस्ट कर सकते हैं आप यूसी टेस्ट करने का। उसके बाद एक आपका कोसी जनरल प्रिंसिपल है वो भी आपको बताते हैं आपको। इसमें आप समझ लें इसमें दो आपका अलग अलग आपका सिक्वेंस रहेगा इसमें। जैसे आप देखें ये वी एन एक्स ये जो पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस, ये जो है आपका कैसा है मोनोटोनिक सिक्वेंस है लेकिन कैसा है वो डिक्रीजिंग सिक्वेंस है। आपको डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पता है ठीक है। फॉर ईच फिक्स वैल्यू ऑफ एन हर फिक्स वैल्यू ऑफ एन द इंटरवल, ये आपका क्या है इंटरवल किसमें आपका ए बी में एंड वी एन एक्स मतलब वो क्या है डिक्रीजिंग भी और बॉन्डेड भी है, डिक्रीजिंग भी है और वो बॉन्डेड भी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन एंड एक्स ठीक है। कंसर्न मतलब एन और एक्स का वैल्यू के रिगार्डिंग में जो भी वी एन एक्स है वो क्या है आपका बॉन्डेड भी है डिक्रीजिंग भी है ठीक है। तो एंड द सीरीज ये तब ये जो सीरीज होगा उसके साथ जो सीरीज होगा इज यू सी, ये जो सीरीज बनेगा एन इक्वल टू 1 to n यू एन एक्स इज यू सी ऑन ए बी, ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा यू सी होगा। देन ऑल्सो अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये आपका ये आपको हम बता चुके हैं इसका कंडीशन चेक करना, ये कंडीशन क्या होना चाहिए आपका ये कंडीशन डिक्रीजिंग होना चाहिए और क्या होना चाहिए बॉन्डेड होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग और बॉन्डेड होगा अगर उसको यू एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा आपका यू सी हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग ये जो टेस्ट चेक करेंगे ये जो वी एन एक्स जो फंक्शन हम लोग के पास होगा क्या वो आपका डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है कि नहीं है ठीक वो चेक करेंगे। अगला है डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट में भी वही आपका है अगर वी एन एक्स को हम लोग चेक करेंगे वो क्या ना कैसा होना चाहिए मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ पे ऐसा कोई कोई नहीं इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है इज फिक्स वैल्यू ऑफ एन। यहाँ पे एक ही आपका दोनों में डिफरेंस है, ये बोल रहा है आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बॉन्डेड और ये बोल रहा है सिर्फ आपको मोनोटोनिक फंक्शन ठीक है। इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू जीरो जब आपके पास ये तो आपको पता हो ये क्लोज इंटरवल पे आपका एक्स उसी पे लाइक करता है ठीक है, एक्स जो है इसी पर लाइक करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए बी का मतलब हो गया एक्स इसी पर बिलोंग करेगा, ए से बड़ा इक्वल होगा या तो बी से इक्वल होगा या तो ए से बड़ा होगा या तो बी से छोटा होगा ठीक है ये होता है। अब यू एन एक्स ये जो यू एन एक्स एक और आपका जो सीरीज है आइदर यू सी और ऑक्सिलरी, ये जो होगा या तो क्या करेगा यूसी का होगा यूनिवर्जेंस यूनिवर्स कन्वर्जेंस होगा यूसी होगा या तो ऑक्सिलरेट होगा। ऑक्सिलरेट मतलब आपको पता होगा ऑक्सिलरेट में एक फिनिटी ऑक्सिलरेट आपको बता चुके तो ऑक्सिलरेट दो तरह का होता है ऑक्सिलरेट फिनिटी और इनफिनिटी इन ए बी। अगर ऐसा हो ठीक है मतलब आपको पहला वी एन एक्स का केस दे चुका है और यू एन एक्स का केस क्या दिया है अगर या तो यूसी होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए ऑक्सिलरेट फिनिटी होना चाहिए तो ये केस जो होगा आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा यूसी होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे दोनों टेस्ट करना है, पहला आपको चेक करना है वी एन एक्स क्या आपका मोनोटोन है कि नहीं है और दूसरा जो टेस्ट करना है आपको यू एन एक्स जो है आपका वो यूसी है या आपका ऑक्सिलरेट
इनफिनाइटली कर रहा था, दोनों अगर ऐसा हो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा भी क्या होगा आपका यूसी होगा। ये दो टेस्ट था आपका एबेल टेस्ट, ड्रेसलर टेस्ट, एक और टेस्ट आपका है जनरल प्रिंसिपल ऑफ